सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डैमेजिंग गेमर्स विथ अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ गैरेना फ्री फायर मैक्स। और आज की इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं BR रैंक्ड सोलो। तो करंटली मेरी रैंक है हीरोइक, और हीरोइक के प्रो प्रो बंदे आएंगे। बहुत बढ़िया मैच होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा। कितनी देर का हैंग टाइम। ओके, स्टार्ट हो चुका है, लॉबी में आ गए हैं और मैच करेंगे स्टार्ट। मैप आया है हमारा काला हारी का, और काला हारी में ओके मैं स्टार्टिंग में ही लैंड करा देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं अगर जाऊँगा ना किसी प्लेस पे, तो स्टार्टिंग में उधर बहुत ज़्यादा बंदे मिलेंगे, तो जाते ही कोई बढ़िया सी गन उठा के आराम से 4-5 किल तो यू कर देंगे। और जगह भी है कमांड पोस्ट, और कमांड पोस्ट पे तो जो बंदे आते हैं वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको स्टार्टिंग में। ओके, ऊपर आप मैप पे देख ही सकते हो कि कितने बंदों की मार खा रहे हैं। बस उम्मीद यही है कि उतरते ही बहुत बढ़िया सी गन मिल जाए एक। ओके, गन चाहिए मेरे को फटाफट। ओके, MAC-10 मिल गई, MAC-10 या 9-4 स्टार्टिंग में और चाहिए क्या। ये हो रही है सामने फाइट, डैमेज दिया मैंने। अरे भाई मेरा क्या किल चोरी करा है, मतलब उतरती इतना प्यारा हेड दिया था उसको और किल चोरी कर दिया इसने। ओके, एक बंदा उड़ा चुके हैं हम, और आती एक किल चोरी भी हो चुका है। और हर मैच में मेरा किल चोरी होना तो मतलब ऐसा है कि इसके बिना तो मैच होगा ही नहीं। हर मैच में मेरा एक ना एक किल चोरी तो होता ही होता है, और मेरा ही नहीं आप सबका भी होता ही होगा। अगर किल चोरी आपके होते हैं तो कमेंट में यस लिख देना। और पीछे से मेरे पे फायरिंग हो रही है, और ये मेरे को बहुत ख़राब लगता है कि बंदे पीछे से मारते हैं। ओके, ये रहा, डैमेज पड़ा है उसके ऊपर। ब्रो मैं तेरे पीछे था, आगे नहीं था। ओके, वो दोनों साइड से गिर गया था इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओके, मेरे को एक और बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, पास में है कोई एक और बंदा। फुटस्टेप्स आए और बंदा भी आ गया। ओके, MAC-7 लेके आया है, बहुत डैमेज दिया है मैंने इसको। नो यार, ओके लो हेल्थ पे था मैं, और मैं रिवाइव होके तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन बदला तो ज़रूर लेंगे इस बंदे से। ओके, तो यहाँ पे लैंड होके तो हम आ चुके हैं, और उससे बदला भी हम ज़रूर लेंगे। MAC-10 मिल गई है। ओके, MAC-7 पड़ी है, लेकिन MAC-10 लेंगे हम, और स्नाइपर अभी नहीं चलानी मेरे को। ओके, लाइक मैं ऊपर से जब आ रहा था उतरते टाइम मेरे को कोई भी मतलब नीचे एनिमी दिखा तो नहीं था। ओके, तो यहाँ पे गन तो है हमारे पास जिससे हम इजीली फाइट ले सके, और लेफ्ट में दो जनों की फाइट हो रही है। ओके, तो चलो, और दोनों के किल्स तुम्हारा भाई लेने का ट्राई करेगा। ओके, या तो इन कंटेनर्स के पास में हो रही है या बाहर की साइड हो रही है, मेरे को इतनी एक्यूरेट लोकेशन नहीं पता है। बाहर की साइड है, बाहर की साइड से आ रही है फायरिंग। ओके, चलो, और ये रहा बंदा। ओके, नॉक तो उसने किया है लेकिन किल हम ले लेंगे। और ये सोनिया डिमित्री वाले मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं भाई, मर जा यार। ब्रो मैंने मतलब गेम मैं इतना फेयरली खेलता हूँ कि मैंने आज तक सोनिया डिमित्री को साथ में यूज़ कभी नहीं किया है। बहुत मतलब ओपोनेंट्स के लिए बहुत बेकार कॉम्बिनेशन है, बहुत इरीटेटिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप ओके एक और आए, बहुत लो डैमेज है, हम दोनों ही लो डैमेज है। ओके, बहुत बढ़िया वाला मैंने किल निकाला यहाँ पे, मतलब उसने ग्लू से खुद को पैक कर दिया था और उसके बावजूद मैं उसका किल निकाल लिया। 4 किल हो चुके हैं हमारे उतरते ही। ओके, तो इसकी लूट को यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। बैकपैक लेवल 3 पड़ा है, और बहुत ज़्यादा लूट पड़ी है इसके पास। वुड पैकर, ओके, वुड पैकर एंड बिजोन का कॉम्बिनेशन। ओके, गन किसके पास, एमोज नहीं है, ओनली गन है। ओके, तो अभी एक दो बार मेरे पीछे से फायरिंग हुई और मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ रहा कि बंदा कहाँ पे है। ओके, वहाँ पे नेड तो हुआ है। ओके, वो रहा बंदा ऊपर, और ऊपर से वो फायरिंग कर रहा है। ओके, थोड़ा बहुत डैमेज दिया हूँ मैं ऊपर वाले को, एंड अब डायरेक्ट हुगन की। चलो 5 एमोज तो है, 1 एमोज चल लगेगी बस ऊपर जाने में मेरे को। ओके, यहाँ पे बहुत सारी लूट्स है, क्या मैं उसको यहाँ से देख के एम कर सकता हूँ। वो तो कर पा रहा है, और उसने मेरे को डैमेज भी अच्छा खासा दिया अभी। ओके, थोड़ा आगे जाते हैं, बस वो थोड़ा सा बाहर निकल जाए, ये रहा।
ओके, नेड करा है मेरे ऊपर वो, मतलब एक गोली का बचा था और मैं यहाँ पे 6 HP का बचा हूँ। अगर वुड पैकर की उसको एक और गोली लग जाती तो वो वहाँ पे फिनिश था, और वो इजीली मेरे को नेड से यहाँ पे मार सकता है। ये देखो पहले 6 HP में बचा, अभी 60 HP पे, तो यहाँ पे रहना तो सेफ नहीं है। I mean, उसका थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो, कोई और एनिमी से फाइट ले आया, उसका ध्यान इधर उधर हो तो मैं जा सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल सीधे सीधे गया, क्योंकि ये ओपन स्पेस है यहाँ पे, और अगर मैं डायरेक्टली गया तो वो ईजीली हाइट का एडवांटेज उठा के मेरे को हेड मार सकता है। ओके, तो अब मतलब वैसे जैसे मैं ट्राई कर रहा था कि नीचे से उसको मारूँ, तो अब वो तो नहीं करेंगे, अब तो गन से डायरेक्ट हम ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर रश करेंगे। ओके, अब वो ऊपर से मेरे को फायर करे या कुछ भी करे, अब मेरे को मतलब नहीं है। ओके, ये सर्कल आ जाए, क्रॉस की जगह आ गया, एंड बिल्कुल परफेक्टली हम ऊपर जाएंगे। और ये ही बंदा है जो इतनी देर से हमें परेशान कर रहा था नीचे ऊपर से। ओके ब्रो, अब तो नहीं यार, ये सोनिया डिमित्री वाले, मैं सही बता रहा हूँ, इनका कुछ करना पड़ेगा। ओके, बढ़िया से हेडशॉट के साथ फिनिश किया है हमने उसको, और क्या ही प्यारे दो हेडशॉट्स पड़े, और ऊपर 20 ने एक बंदे को उड़ाया था। ओके, तो नीचे चल के पहले तो उसकी लूट लेंगे। और नहीं यार, बिल्कुल टाइमिंग नहीं बैठी और नीचे का फॉल डैमेज पड़ गया। ओके, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अब आराम से हील हो जाएंगे हम अभी। ये रहा एक और बंदा। ओके, आ जा ब्रो, ये भी हो रहा है लाए। चलो सोनिया डिमित्री से तो लाख गुना अच्छा हो रहा है। ओके, बाहर आ जा ब्रो, बाहर आया एंड फिनिश कर दिया इसको। 6 किल कंप्लीट कर चुके हैं हम यहाँ पे इसी के साथ। और अच्छा है मैंने ये भागते भागते इनहेलर मार लिया था जब मैं ऊपर से नीचे गिरा, नहीं तो वो उस टाइम आता जब मेरी हेल्थ कम थी, या फिर मैं इनहेलर नहीं मारता तो यहाँ पे वो अपना गेम बजा जाता। क्योंकि वो भी थोड़ा प्रो, थोड़ा तो नहीं मतलब अच्छा खासा प्रो बनता था। हीरोइक की लॉबी है यार, हीरोइक 2 स्टार की। ओके, तो यहाँ से तो अपना फेवरेट मिनी ट्यूरेट लेंगे, और लॉन्च पैड की मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले तो शूज़, क्योंकि शूज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और लॉन्च पैड भी ले ही लेंगे हम। ओके, और शूज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगने लगे, खासकर जब हम रश करते हैं तो बंदे के पास जाके ये शूज़ मार दो तो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस पे आ जाएंगे, और वो 2 सेकंड के लिए एम नहीं कर पाएगा हमारे ऊपर। तो ये मतलब क्लच करने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और अब हम 2nd या 3rd लास्ट जोन में ही हैं, तो गेम भी यहाँ पे जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 6 बंदे मैंने मारे और 6 ही बंदे अलाइव है। ओके, तो यहाँ पे जोन भी श्रिंक होने वाला है, और सामने वाले घर में ग्लू वॉल लगी हुई है, यानी कि ऊपर बंदा हो सकता है क्योंकि उसने सीढ़ियों पे ग्लू वॉल लगाई है ताकि कोई ऊपर ना आ सके। लेकिन ये नहीं जानता कि तुम्हारे भाई के पास है 999+ IQ, डायरेक्ट हम ऊपर ही जाएंगे बिना सीढ़ियों का यूज़ किए। और ये रहा बंदा, और ये भी 2 सेकंड के लिए तो सोचेगा ही कि भाई ऊपर कहाँ से आ गया ये। ओके, अरे ये नीचे कूद गया। ओके, कहाँ भाग के जाएगा, कहाँ गया। ओके, ये वापस ऊपर गया अपनी ग्लू तोड़ के, और ईजीली हमने इसको मार दिया है। 7 किल कर चुके हैं हम, थाला फॉर द रीज़न गाइस, 7 किल हो चुके हैं, और 3 अलाइव है अब। ओके, जोन भी आ रहा है हमारे पास। ओके, ये रहा एक और बंदा, और इसको इजीली तो नहीं, मतलब इसने भी अच्छा खासा डैमेज दिया है हमें, और पैक कर दिया इसने। ओके, सबसे पहले तो हम अपनी हेल्थ फुल करेंगे और फिर इसको देखेंगे, नेड करेंगे अंदर, और अंदर नेड जाने से पहले इसने शायद ओपन कर लिया। ओके, ओपन कर लिया इसने, और इधर से ये निकल चुका है, और निकल के वो रहा सामने की साइड गया है, और शायद यहाँ पे 3 बंदे। ओके, 3 बंदे हैं यहाँ पे, और लास्ट जो 3 अलाइव है वो 3 इधर ही है। वो रहा अंदर, उसके ऊपर मैं नेड करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो बंदा डबल स्मार्ट है, क्योंकि गाइस हीरोइक वाली लॉबी है ये, इसमें स्मार्ट बंदे आएंगे, प्रो बंदे आएंगे, और हमारा ओरायन भी चार्ज नहीं है। ओके, तो मिनी लॉन्च पैड लगा के तो सबसे पहले हम जाएंगे जोन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमें बूया करनी है, और यहाँ पे हम ग्लू वॉल से पहले कवर लेंगे, मिनी ट्यूरेट लगा देंगे ताकि वो भी उनको डैमेज दे, और वुड पैकर तो हमारे पास है ही,
ये रहा बंदा, वुड पैकर से इजीली लॉन्ग रेंज में हम डैमेज दे देंगे। पड़ जा यार। ओके, 1v1 की सिचुएशन है और इसका किल करके 8 किल बुया निकाली है तुम्हारे भाई ने गाइस। तो यहाँ पे हीरोइक 2 स्टार की लॉबी को फुल डोमिनेट किया है तुम्हारे भाई ने। ओके, तो अच्छी खासी वाली प्लस भी लगनी चाहिए। 8 किल के साथ हमारी प्लस लगी है मात्र 46 की ब्रो। 8 किल के साथ तो मतलब 60-70 की प्लस होनी चाहिए। 8 किल, 3000 का डैमेज, 13 मिनट का सर्वाइवल टाइम और 1300 का हील। क्या तो मैच रहा। सो गाइज, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यस देन मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।